वही अगली खबर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से आ रही है, जहां नगर निगम क्षेत्र में ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी कई दिनों से हड़ताल पर हैं। हड़ताल की वजह यह है कि निगम के सफाई ठेकेदारों ने 300 में से 200 सफाई कर्मचारियों को काम से हटा दिया है। आपको बता दें कि 200 कर्मचारियों को हटाए जाने के विरोध में सभी 300 सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। सफाई कर्मचारियों की मांग है कि हटाए गए कर्मचारियों को फिर से काम पर रखा जाए। वही बुधवार को हड़ताली अपनी मांगों को लेकर राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे से मिलने पहुंचे। वही सफाई कर्मचारी सुशील कि अभी कर्मचारियों को 250 रुपए प्रतिदिन मिल रहे हैं, उन्हें कलेक्टर दर पर 400 रुपए प्रतिदिन का भुगतान किया जाना चाहिए। सांसद संतोष पांडे ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए जल्द ही कदम उठाए जाएंगे। राजनांदगांव से भोलेश मिश्रा की रिपोर्ट। हाँ, पर सफाई कर्मचारियों के हित में उनका लीडर है गोलू नायक, समय समय पे मेरे से मिलता रहता है, और जब कभी कोई परेशानी होती है, कोई बात होती है, स्वाभाविक है, बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं, कर्मचारियों के हित को लेकर के आते रहते हैं, तो छोटी मोटी कोई बात थी वो आपस में मिल बैठ करके पूरा कर लिए हैं, और कल ये सफाई में लगेंगे, उसी विषय में चर्चा हुई है, मैं बात कर रहा हूँ। हमारी समस्या ये है, जितने 300 कर्मचारी हैं, सबको काम में लिया, पेमेंट कलेक्टर दर से दिया जाए, और जो ठेकेदार लोग जो हमारा रोजी आधा पेमेंट मतलब 250 रुपए रोजी से करवा रहे हैं हमको काम, और आधा पेमेंट खा रहे हैं, उसको पूरा दिया जाए। हमारी यही मांग है बस, हम और कुछ नहीं चाहते, और सबको मतलब जितने 300 कर्मचारी है सबको लिया जाए काम में, किसी को हटाया मत जाए। हम लोग का मांग था निगम आयुक्त महोदय से कि हमारा काम बंद कर दिया गया, उनको सभी को काम में लिया जाए। 100 कर्मचारी सभी ले रहे थे ना, तो अभी सभी को काम में लिया जाए, बाकी सबको जो बैठा था तो लगभग रख लें, पर उसमें भी हम लोग हड़ताल किए ना, तो जैसे कि सुपरवाइजर लोग को टारगेट किया जा रहा है कि यही लोग सब भड़काए हैं, ये तो दुनिया देखे, तो उसमें भी ना हटाया जा रहा है लड़के लोग को, ऐसा करके बोल रहे हैं। किनको हटा रहे हैं? सुपरवाइजर लोग को। हाँ, और जो जो कर्मचारी हमारे साथ दे रहे हैं, जो भी अपने हक के लिए, उनको भी भगाया जा रहा है वार्ड से, नहीं करने देंगे तुमको, ठेकेदार लोग बोल रहे हैं। ठेकेदार मैं नहीं बोल सकता कौन कौन लिया, अभी पता नहीं चले कौन कौन ठेका, कोई कोई वार्ड में आज ना 3-4 वार्ड में ही काम चल रहा था, जैसे कि अपने किशुन वधू सर जी हैं उनके वार्ड में चल रहा था, और है 2-3 ठेकेदार लोग हैं वो भी काम करा रहे थे। तो भाई हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, ठेका कोई ले, हमारा हक हमें दो ना जी, हमें किसी से कोई तकलीफ नहीं है। अभी तक हम लोग 5 साल से काम करते आ रहे थे, 220 रुपये रोजी दे रहे थे हम लोग को, सॉरी 230 रुपये दे रहे थे, फिर पिछले साल हड़ताल किए तो 250 किए, उसको 250 किए।